हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज संडे था तो हम लोग ने सोचा क्यों ना हमारी लखनऊ की फेमस प्लेसेस जो हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए और आपके साथ शेयर करा जाए। तो आज सुबह से ही यहाँ का वेदर काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट था, तो हमारी तरफ बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की। आपकी तरफ कैसा मौसम है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये प्लेस जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो सामने क्लॉक टावर दिख रहा है आपको, ये चौक में है और ये क्लॉक टावर, इसे हम लोग घंटा घर कहते हैं। ये लखनऊ का काफ़ी ज़्यादा पुराना नवाबों के थ्रू बनाया हुआ एक मॉन्यूमेंट है। काफ़ी लोग यहाँ पर जा चुके होंगे, हम लोग यहाँ पर पहले आ चुके हैं पहले भी, पर यहाँ पर अब 7 बजे एक फाउंटेन शो होता है तो हम लोग उसको देखने आ जाएं, ठीक है। और ये जो आप लोग रेड कलर का देख रहे हैं ये मॉन्यूमेंट आर्ट गैलरी है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुरानी चीज़ें, पर इतना अच्छा नहीं है, पर हाँ फर्स्ट टाइम अगर आप जाएंगे तो आपको ठीक लगेगा ये। और फिर हम लोग यहाँ आ चुके हैं, हम लोग उधर वाले गेट पे गए पर वो पीछे वाल पड़ रहा था क्लॉक टावर का, तो हम लोग को घूम के इधर की तरफ से आना पड़ा फिर से। अगर आप लोग चाहे तो उसका पूरा राउंड लगा के भी आ सकते हैं, पर हम लोग ने यू टर्न ले लिया था। तो अब हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर स्टेज टाइप का बना हुआ है फाउंटेन के पास, तो यहाँ पर काफ़ी सारी पब्लिक आप लोग को शाम के वक्त स्टेयर्स पे बैठी दिखेगी। अगर वो लोग को आप लोग बैठे हुए दिखे तो ये समझ जाएगा कि वहाँ पर 7 बजने का वो लोग वेट कर रहे हैं और लोग वेट कर रहे हैं कि फाउंटेन शो कब स्टार्ट होगा, ठीक है। और जैसे ही फाउंटेन शो स्टार्ट होके एंड होता है वैसे ही सारी पब्लिक एकदम से डिसअपियर हो जाती है। तो इन शॉर्ट आप लोग को 7 o'clock के आसपास यहाँ पर यूजुअल से ज़्यादा क्राउड दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैफिक में भी लोग होते हैं जैसे बाइक्स वाले, वो लोग पार्क करके इसके अंदर आ जाते हैं वो शो देखने के लिए स्पेशली, और आसपास के लोग भी आ जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक फेमस स्पॉट बन चुका है अब। हम लोग जैसे ही पहुँचे यहाँ का वेदर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा अच्छा हो गया था। अब अगर कहे तो पहले अच्छा था पर अब और ज़्यादा अच्छा हो गया था। धूप जा चुकी थी बिल्कुल, पूरी तरह से बादल आ चुके थे और ऐसा लग रहा था कि बस बादल बरसने ही वाले, पर थैंक गॉड बारिश नहीं हुई। मैं अभी आप लोग को और जूम करके लखनऊ का क्लॉक टावर दिखाऊंगी। ये क्लॉक टावर है हमारा लखनऊ का बहुत ही ज़्यादा फेमस, नवाबों के थ्रू इसे बिल्ड किया गया था। क्लॉक टावर के साइड्स में आपको ऐसे कोकोनट ट्रीज भी दिखेंगे। आई डोंट नो इसे कोकोनट ट्रीज कहा जाता है या नहीं, बट मैंने कहीं सुना था तो मैंने अभी बोल दिया। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसके जस्ट सामने ये जो फिटिंग्स देख रहे हैं आप लोग, यहीं पर फाउंटेन शो होगा और इसी स्टेयर्स पे पब्लिक आके बैठ जाती है। मतलब आपको जिस तरीके से इसे व्यू करना है, जिस तरफ से व्यू करना है आप लोग देख सकते हैं इसे। हम लोग इसके बैक साइड पे अगर देखिए फ्रंट शो, इसका फ्रंट व्यू आपको उस तरफ से मिलेगा जिस तरफ ये क्लॉक टावर के जस्ट नीचे वाले जो स्टेयर्स हैं वहाँ पर आपको इसका फ्रंट व्यू दिखेगा। और हम लोग जिधर थे इधर भीड़ कम थी तो हम लोग इधर आके बैठ गए थे, पर ये बैक साइड था। यहाँ पर इनाया, मरियम और अरहम ने अपनी सीट्स तो ले ली थी, पर फिर ये लोग को स्टार्ट होते शो अच्छे से नहीं दिख रहा तो ये लोग थोड़ा नीचे चले गए थे। तो अब हमारा शो स्टार्ट हो चुका है, आप अगर इसके पास जाके देखेंगे इसे तो इसका व्यू ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेटर आपको दिखाई देगा। और ये हम लोग बैक साइड थे तो इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था दूर से। अगर आप लोग क्लॉक टावर के नीचे वाले स्टेयर्स पे बैठेंगे तो आपको इसका व्यू ज़्यादा बेटर दिखेगा। तो अभी हम लोग इसके थोड़ा पास जाके भी वीडियो कैप्चर करने की मैंने थोड़ी सी कोशिश करी है, आई होप आप लोग को पसंद आए। और आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोग को बताना भूल गई थी वो ये था कि ये फाउंडेशन शो देखने के लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री है एंड आपको कोई कॉस्ट आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, वो आपसे कुछ नहीं चार्ज करते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है प्रॉपर। इतने 15 मिनट्स का ये शो आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पर बीच बीच में लोग आते रहेंगे आपको देने के लिए, मतलब अपने प्रोडक्ट्स सेल करते हैं वो लोग, अगर आपको लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। और यहाँ पर कुछ पिक्चराइज भी हो रहा था, यहाँ पर एक तो आपका पुराना भरतनाट्यम वाला था और टुंडे कबाबी कबाब्स, मतलब लखनऊ के जो फेमस स्पॉट्स हैं और फेमस जो प्लेसेस हैं और जो फेमस पीपल्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी था वो सब आप लोग को यहाँ दिखाएंगे, और लखनऊ के क्या क्या आप लोग लखनऊ में क्या क्या देख सकते हैं वो भी इसमें दिखाते थे, तो ये काफ़ी अच्छा था। इन शॉर्ट आपको प्रॉपर ये बता देंगे कि लखनऊ में क्या है देखने को और कौन थे यहाँ के लोग, वो सब है। ये शो डेली 7 o'clock शाम को ये करा जाता है, मतलब डेली फाउंटेन शो ये चलता है, और आप लोग कोई पर्टिकुलर डे नहीं है यहाँ पर कि आप लोग को संडे को ही आके देख सकते हैं, ये हमेशा आप लोग को चलता हुआ मिलेगा 7 बजे। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस इस प्लेस का तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि बाकी सारे फाउंटेन शो जो लखनऊ में होते हैं उनके लिए हम लोग को चार्ज करना पड़ता है, मतलब हम लोग चार्ज किए जाते हैं, कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा हम लोग को, पर ये शो देखने के लिए हमें कोई प्राइस नहीं पे करना पड़ा। और काफ़ी 15 मिनट काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम होता है, तो फुल इन्जॉय हो गया हमें, हमारा संडे काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज हो गया था, जितने भी बच्चे थे सब बड़ों को भी और बच्चों को भी सबको यहाँ पर मज़ा आया देख के ये शो। इस फाउंडेशन शो में एक ख़ास बात ये भी थी कि इसका जो सॉन्ग सिलेक्शन था, मतलब जो सॉन्ग प्ले किए जा रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। एक तो ये क्लॉक टावर के जस्ट नीचे चल रहा था, ठीक है, और क्लॉक टावर हमारा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ठीक, और सॉन्ग्स जितने सारे जितने भी प्ले यहाँ पर प्ले किए जा रहे थे वो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए ऐसी चीज़ ये लोग प्ले कर रहे थे जिसमें इंडिया आए, मतलब अपना हम लोग दिखा सके, पेट्रियटिज्म से रिलेटेड थे सारे, ठीक है। तो ये अच्छी एक चीज़ थी यहाँ पर इस शो में, और एक अलग ही सी वाइब क्रिएट कर रहे थे, मतलब अभी 15 अगस्त था आया नहीं है पर एक ऐसी वाइब क्रिएट कर दी थी इन लोग ने, एक ऐसा हाइप क्रिएट हो गया था कि हाँ लग रहा था कि 15 अगस्त है या फिर 26 जनवरी है। तो आज के मेरे व्लॉग में बस इतना ही, आई होप आपको मेरा आज का ये संडे स्पेशल व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और ऐसे ही इस चैनल को सपोर्ट करते रहें।